बहुत बहुत स्वागत है पेट लवर यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा एक सेटअप है जिसके अंदर हमने कुछ बर्ड्स रख रखे हैं। बजीज पैरट्स हैं, कॉकटेल हैं और आपके फिंचेस हैं। गाइस, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि अब ठंडी स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा मौसम जो है ना चेंज होने लगा है, और इस बदलते मौसम में हमें जो है ना बर्ड्स को कवर करना है कि नहीं करना है, आखिर कौन किन लोगों को कवर करना चाहिए और आपके बर्ड्स कहाँ पे रखे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि आपको पता है, ये मेरा एक सेटअप है और जिसको मैंने छत के ऊपर बनवा रखा है। अब बात ये आती है कि अगर आपका सेटअप छत पर है और इस टाइम जो टेम्परेचर है वो 22-21 के आसपास जा रहा है, मतलब नॉर्मल ये कि रात में छत पे अच्छा खासा ठंडा होता है, और अगर आपने बजीज पैरट्स को छत के ऊपर रख रखा है, ठीक है ना, या फिंचेस हैं उनको भी ऐसे ओपन एरिया में खुला रख रखा है, तो आपको चाहिए ये कि आप इनको थोड़ा सा कवर करें। थोड़ा सा कवर क्या मतलब, ये है कि जो रात की जो बहुत ज़्यादा ठंडक है, आपको बताऊं, दो दिन पहले अभी मेरे फिंचेस थोड़े से फूले हुए थे। क्यों? क्योंकि मैं उनको कवर नहीं कर रहा था, और कवर ना करने की वजह से वो जो है ना उनको ठंडी जो हवा थी वो लग गई, और उसके बाद हुआ क्या कि थोड़ा सा वो फीवर उनको आ गया। फिर मैंने सबको फीवर की मेडिसिन यूज़ कराई, एंड देन मैंने क्या किया कि इसको कवर करना, आप जैसा इस साइड से देख रहे हैं, यहाँ से पूरा हमने तिरपाल लगा रखा है, और ये सामने वाला तिरपाल है, इसको भी रात के टाइम पे हम खोल देते हैं तकरीबन 8 बजे के बाद जो है ना आप खोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं खोलेंगे तो होगा क्या कि थोड़ा थोड़ा बर्ड जो है ना, जो बेबीज़ निकल रहे हैं वो जो है ना बीमार हो सकते हैं, उनको फीवर आ सकता है या मोशन भी आ सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, बजीज़ तो हैंडल कर सकता है, लेकिन अगर आपके फिंचेस हैं तो आपको चाहिए ये कि आप जो है ना कवर करें अगर आपने छत पे रख रखा है। बट अगर आपका इंडोर सेटअप है, आपने कहीं टीन शेड के नीचे रख रखा है या कहीं रूम के अंदर आपका सेटअप है, तो यार आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है ना अभी उनको कवर करें, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा यार ठंडा नहीं है। लेकिन हाँ, छत के ऊपर जिनके सेटअप हैं उनको तो ज़रूरत है इस टाइम कवर करने की, लेकिन जिनके पास बड़े बर्ड्स हैं जैसे कि लव बर्ड्स हो गया या उससे भी ऊपर अगर हम जाएंगे वो बर्ड्स हैं, तो उनको अभी कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये छोटे बर्ड्स को कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इनको ठंडी थोड़ा जल्दी से लग जाती है और इनको जो दिक्कत है वो भी जो है ना होने लगती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना ये एक टिप्स को अप्लाई करें इस टाइम, ताकि जो आपके बर्ड्स हैं वो जो है ना बीमार ना पड़ें और उनको किसी तरह की यार कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। फिंचेस अगर मैं ना बंद करता, मतलब ना कवर करता, तो शायद वो बीमार हो सकते थे और ज़्यादा भी बीमार हो सकते थे। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस साइड से जो है ना बर्ड्स को प्रॉपर हवा नहीं लगती है, और रात में हम क्या करते हैं कि इसको भी थोड़ा सा खोल देते हैं ताकि जो ठंडी हवा है वो जो है ना अंदर जाके बर्ड्स को नुकसान ना करे। और जैसे जैसे यार ठंडी बढ़ेगी वैसे वैसे हमें जो है ना इनको अच्छे से कवर करना है, और अच्छे से जो है ना इनके लिए हिटनेस का भी इंतज़ाम करना होगा, सारी चीज़ों का जो है ना हमें अच्छे से प्रॉपर इंतज़ाम करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो है ना बीमार पड़ सकते हैं। और एक नाइट बल्ब है जो कि अभी जल रहा है, आपको दिख रहा होगा, वो जो है ना हम रात में इसमें खोल देते हैं और जो मेरे बर्ड्स हैं वो प्रॉपर अंदर रहते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अभी फ़िलहाल कॉलोनी के अंदर। अभी हम आ गए हैं अपनी कॉलोनी के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं ये फिंचेस की कॉलोनी है बर्ड्स की, और ऊपर एक सिंगल केज रखा हुआ है इसके ऊपर, और मैं इसकी बात कर रहा था। ये जो है ना इधर से बहुत ज़्यादा इनको हवा लगती है, तो उससे जो है ना ये थोड़ा सा बीमार हो रहे थे, लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है सब एकदम ठीक है, मस्त हैं, ठीक ठाक हैं, एकदम बेहतर हैं। तो गाइज़, अगर आपने मतलब न्यू बर्ड्स रख रखे हैं और आप चाहते हैं कि भाई हम जो है ना इनको बीमार होने से बचाएं, वो भी छत के ऊपर अगर आपने रख रखे हैं, तो आप इनको थोड़ा थोड़ा कवर करना चालू कर दें, और इससे क्या है कि इनकी आदत भी बढ़ जाएगी और फिर जो है ना ये ठंडी को हैंडल भी करने लगेंगे। गाइज, तो ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।